नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। कई महीनों से पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब विधायक दल की बैठक से पहले कैप्टन राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। कैप्टन और सिद्धू के बीच की जंग किसी से नहीं छुपी है और कई बार दोनों नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगा चुके थे। आज कैप्टन ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने सुबह ही फैसला कर लिया था, सुबह मैंने हाईकमान को इस बारे में बता दिया था। हाईकमान को अब जिस पर भरोसा हो उसे सीएम बना दे। बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ दो महीनों में, कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, दो महीने में तीन बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला। उन्होंने साफ कहा कि बार बार मेरी बेइज्जती की गई, दो महीने में तीन बार विधायकों की बैठक बुलाई गई, सरकार चलाने को मुझ पर संदेह किया गया, मुझे अपमानित महसूस हुआ। अब मैं अपने समर्थकों से बात कर भविष्य की रणनीति बनाऊंगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस पार्टी में ही हैं, भाजपा में जाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोंगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। पंजाब कांग्रेस में कई महीनों से मचा घमासान कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे तक जा पहुंचा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब पंजाब में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। अगर कैप्टन के ही हिंदू चेहरे के फॉर्मूले पर कांग्रेस काम करेगी तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर कांग्रेस ने सिख चेहरे को प्राथमिकता दी तो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सबसे आगे है। पंजाब के राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अगर कांग्रेस के दो फाड़ हो गए तो राष्ट्रपति शासन भी लगाए जाने की चर्चा गर्म है। इस वक्त के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।